पिछले दिनों से नीतीश कुमार ने जो बिहार में किया है उसके बाद नीतीश कुमार के लिए यहाँ की राजनीति आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि अब देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने तो नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोला ही हुआ है। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार को कम परेशान नहीं कर रहे हैं। रोजाना उन पर कोई न कोई प्रहार जरूर हो रहा है और अब तो प्रशांत किशोर उस दौर को याद कर अपनी सबसे बड़ी भूल बता रहे हैं जब वो नीतीश कुमार के साथ थे। उन्हें अफसोस है कि उन्होंने साल 2014-15 में नीतीश कुमार को सीएम बनने में मदद की थी। उसके बाद बिहार जैसे राज्य में जहां शराब बंदी है, नीतीश कुमार ने ही वहां पर शराब बंद कराई है। उसके बाद भी जहरीली शराब पीने से अगर लोगों की मौत हो रही है तो उस पर सीएम नीतीश कुमार का लापरवाह रवैया और मजाकिया अंदाज भी चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को रास नहीं आ रहा। शराब से हो रही मौतों पर जिस तरह का बयान नीतीश कुमार ने दिया वो प्रशांत किशोर को अखर गया है। शराब कितनी बुरी चीज है, कितने लोगों की मौत होती है और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य, एक मिनट जान लीजिए, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी और उसके बाद जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया था। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए, यहाँ तो शराब बंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए, ज़्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपनसम के। वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए और उन जगहों पर जा करके समझाना चाहिए। आप देख रहे हैं ना हम कितना बड़ा अभियान चलाए। अब नीतीश कुमार के इसी बयान के लिए प्रशांत किशोर हमलावर हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने बिहार में शराबबंदी कानून को 48 घंटे के भीतर वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिद की वजह से शराब त्रासदी हो रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जे पी ही उमरी, अरे भाई जे जे पी ही उमरी अतहार काम का बतू ऐसा शराब बेचवाई बा अपना राज्य में शराबबंदी के नाम पर। ये जो अहंकार है, ये जो दृढ़ता है, ये नेताओं में कहां से आता है? ये आ रहा है बिहार में इस बात से कि जन प्रतिनिधियों के मन से यह डर खत्म हो गया है कि हम काम नहीं करेंगे तो चुनाव हार जाएंगे। बिहार के बदहाली का जो मेन कारण है कि जो यहां पर नेता है, विधायक एमपी है, वो जान रहा है कि हम काम करी चाहे ना, जनता हमरे के वोट दी ही। देखिए, हमने के 5 वर्ष बैठ के बतियावता नहीं जा कि बिहार में कितना भ्रष्टाचार बा। बिहार में हर काम में चोरी होता, सड़क नहीं खे, अस्पताल नहीं खे, लेकिन के पढ़े के व्यवस्था नहीं खे, खेत में पानी नहीं खे, फसल के दाम नहीं खे। 5 वर्ष बतियावता नहीं जा। एजा मंदिर पे बैठ जाए, चाय के दुकान पे बैठ जाए, घर में, खेत में, खलिहान में, दलान में, हर जगह आदमी बतियावता, लेकिन जहिया वोट होता रे भाई वो दिन सब बात भुला जाता। प्रशांत किशोर के मुताबिक शराबबंदी समाज के हित में नहीं है और ये राज्य की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। राज्य सरकार को एक योजना के साथ आना चाहिए और शराब पर प्रतिबंध को हटाना चाहिए। जो लोग शराब पीना चाहते हैं उन्हें घर पर या विशिष्ट स्थानों पर अनुमति दें, संवेदनशील स्थानों की पहचान करें और वहां शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस देने से बचें। प्रशांत किशोर ने कहा, अहंकारी इंसान का सर्वनाश होना तय है। कोरोना महामारी के दौरान जब बिहार के लाखों लोग भूख से बिलबिला रहे थे और पैदल अपने घर लौट रहे थे, उस वक्त भी नीतीश कुमार अपने घर से नहीं निकले थे। इतना ही नहीं, छपरा में शराब से हो रही मौतों पर भी नीतीश कुमार ने अपनी संवेदना नहीं जताई। दरअसल नीतीश कुमार इन दिनों अपने विवादित बयानों को लेकर राजनीतिक चर्चाओं में बने हुए हैं। बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और नीतीश कुमार इस बारे में कुछ संवेदनहीन बयान दे रहे हैं। शराब पीने वाले को मदद किया जाता, अरे शराब गंदा पिया पता चल गया ना कि तुम पीते हो और कभी तुमको जहरीली मिल जाएगा तो मर ही जाओगे, यही तो बात है। ये मेरा कहा हुआ है।
जहरीली शराब से हो रही मौतों पर उनके दिए बयान चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को कुछ ज्यादा ही अखर रहे हैं, क्योंकि शराबबंदी के वो खिलाफ हैं। बिहार में शुक्रवार शाम तक जहरीली शराब से करीब 80 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा छपरा में 73 लोगों की जान गई है। इसके अलावा सीवान में 5 और बेगूसराय में भी एक शख्स की मौत हुई है। कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। कुछ लोग गंभीर हालत में छपरा और पटना के अस्पतालों में भर्ती हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रशांत किशोर शराबबंदी को इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं और का विरोध कर रहे हैं। साथ ही नीतीश कुमार जिस तरह से शराब से हो रही मौतों पर बयानबाजी कर रहे हैं, उस पर प्रशांत किशोर उनको अहंकारी बताकर उनका विनाश तय बता रहे हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार में पिछले कुछ साल में आए बदलाव की भी बात की। प्रशांत किशोर के मुताबिक 2014-15 के नीतीश कुमार और 2022 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। राजनेता इंसान और प्रशासक के तौर पर उनमें बहुत अंतर आ गया है। 2014 में जब लोकसभा चुनाव हारे तो उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। 2020 में जब जेडीयू हारी, उसकी सीटें कम आई, तो भी वो कैसे न कैसे जुगत लगाकर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार साफ साफ कह चुके हैं कि बिहार में शराबबंदी है। इसके बावजूद भी अगर कोई शराब पीकर मर रहा है तो क्या कर सकते हैं? जो पिएगा वो मरेगा ही। शराब बुरी चीज है। जहरीली शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नीतीश कुमार की इसी तरह के बयानबाजी पर जिस तरह से प्रशांत किशोर ने हमला बोला है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। शराब कितनी बुरी चीज है, कितने लोगों की मौत होती है, और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य, एक मिनट जान लीजिए, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी, और उसके बाद जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए, यहाँ तो शराब बंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज़ है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए, ज़्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया, तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपनसम के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए और उन जगहों पर जा करके समझाना चाहिए। आप देख रहे हैं ना हम कितना बड़ा अभियान चलाए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जे पी उमरी, अरे भाई जे पी ही उमरी, अतहार काम का बतू ऐसा शराब बेचवाई बा अपना राज्य में शराबबंदी के नाम पर। ये जो अहंकार है, ये जो दृढ़ता है, ये नेताओं में कहां से आता है? ये आ रहा है बिहार में इस बात से कि जन प्रतिनिधियों के मन से यह डर खत्म हो गया है कि हम काम नहीं करेंगे तो चुनाव हार जाएंगे। बिहार के बदहाली का जो मेन कारण है कि जो यहां पर नेता है, विधायक एमपी है, वो जान रहा है कि हम काम करी चाहे ना, जनता हमरे के वोट दी ही। देखिए, हमने के 5 वर्ष बैठ के बतियावता नहीं जा कि बिहार में कितना भ्रष्टाचार बा, बिहार में हर काम में चोरी होता, सड़क नहीं खे, अस्पताल नहीं खे, लेकिन के पढ़े के व्यवस्था नहीं खे, खेत में पानी नहीं खे, फसल के दाम नहीं खे। 5 वर्ष बतियावता नहीं जा, एजा मंदिर पे बैठ जाए, चाय के दुकान पे बैठ जाए, घर में, खेत में, खलिहान में, दलान में, हर जगह आदमी बतियावता। लेकिन जहिया वोट होता रे भाई, वो दिन सब बात भुला जाता।